हाय किड्स, हाय सर। आज देखो आज हम जो करने वाले हैं, यहाँ पर हमने क्या क्या सामान रखा हुआ है। बॉटल, सिरिंज, बॉटल रखी हुई है हमने, एक सिरिंज रखी हुई है और ग्लास, ग्लास में पानी है हमारे पास। अब देखो आज हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सीख रहे हैं आज। अब देखो ये सिरिंज है हमारे पास, ये सिरिंज देखो, इसमें सिरिंज में कुछ लेबल्स लगे हुए हैं ये, ठीक है। अब देखो क्या क्या सिरिंज में क्या क्या लेबल्स लगे हुए हैं, देखो इसका मतलब जब भी हम पे सिरिंज लगती है, जब भी हम पे सुई लगती है, इसका मतलब उसमें उनके पास क्या होता है, मेजरमेंट होता है कि आप पे कितनी दवाई हमने चढ़ानी है। अब देखो कितने कितने एमएल के लेबल्स हैं इसमें, 5, 5, एक 5 का है और एक है 10 का, मतलब मैक्सिमम हम इसमें कितनी दवाई भर सकते हैं, 10 ml, ठीक है, या दवाई बोल लो या पानी बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक हमारे पास ये बॉटल है मिनट मेड की, ठीक है, ये मिलती है मार्केट में, क्या होता है इसमें, जूस, ठीक है। अब देखो अब आपको ये देख के बताना है कि ये कितने एमएल की बॉटल है, इसमें दिखा सकते हो कि कहाँ पर है लिखा हुआ कितने एमएल की बॉटल है, ये 250, कितना एमएल है ये, 250, ठीक है, 250 ml। अब देखो अब हम आज हम क्या चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो इसमें मिनट मेड भरा हुआ होता है वो 250 ml है भी या नहीं है, कैसे पता कर सकते हैं हम इस सामान से, हम क्या पता कर सकते हैं कैसे, जो सुई है उसके बार बार उसमें पानी में भर के उसमें इसमें डाल के, ठीक है, मतलब इस सिरिंज में हमने क्या भरना है, पानी भरना है बार बार और इसके अंदर भरते है। रहना है, मतलब हमने कितने एमएल बनाना है ये, 25, एक 250, 250 एमएल बनाना है, तो कितनी बार डालना पड़ेगा इससे, 25, क्या किया गुणा भाग 10 से किस में, 25, 250 में, तो 25 आया, चलो भर के दिखाओ। अब देखते हैं कितना आता है इसमें, 25 बार भरना है। अब ध्यान ध्यान रहे कि उसी लेवल तक भरना है हमको, ठीक है, पानी, ठीक है, गिनते रहना, ठीक है, 1, 2, पकड़ के रखो बच्चे उसको, एक बच्चा पकड़ो, तीन, कम है, पूरा भरो उसको, अभी ठीक है, चार, दस के बाद हम ऐसा भी कर सकते थे कि दस के, जैसे हमने 10 ml तो इसमें भर लिया ना, कितना एमएल भर गया इसमें, दस का मतलब कितना एमएल भर चुका है अभी ये, 100, 100, वेरी गुड, हाँ भरो भरो भरते रहो, 11, हम सीधे इसको डबल भी कर सकते थे चाहते तो, है ना, इतना पास से हटा के तो बिल्कुल उतना ही और डाल देते, 12 मतलब 120, चौदह,
कम रहता। पानी कम हो गया ना, नीचे डुबा के रखो। सर किसी के पास पानी की बोतल है? कितने हुए? 19। चौबीस, पच्चीस। ठीक है, इसका मतलब अगर जब आप मार्केट से ले रहे हो इस मिनट मेड को, अगर वो समझो इतना भरा हुआ है, इसका मतलब 250 ml है, और अगर इससे कम भरा हुआ है, इसका मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। समझ गए ना? मतलब इतना एग्जैक्टली अब हम लोग पता चल गया ना, हमको दिखाना एक बार सर जैसे। नहीं वो तो बराबरी बराबरी होगा ना, वो तो अगर हमारे या तो हमारे अगर हम टेबल टेढ़ी होगी तो ये टेढ़ा हो जाएगा, हमारी टेबल तो बिल्कुल सीधी है ना। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं आपको इस सिरिंज से ही करना है, आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सिरिंज हमारे पास क्या होता है, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो हमने सिरिंज से चेक किया, 10-10 ml करके हमने इसमें कितने डाले, इसमें 25, तो कितना भर गया ये टोटल, अब 250 ml। ठीक है, तो अब आप पता कर सकते हो। अब माना हमको 500 ml का कोई चीज़ बनानी है, तो क्या कर देंगे इसका हम, बिल्कुल क्या कर देंगे, डबल। 500 अगर 500 ml की बोतल अगर हमको चेक करनी है तो इतना ही इतना पानी कितने बार डालना पड़ेगा? दो बार। और अगर हमको 1000 ml बनाना है तो एक लीटर चार बार डालना पड़ेगा। अगर 1 लीटर बनाना है तो मतलब इतनी बोतल हमको कितनी बार डालनी है? चार बार। और अगर इस सिरिंज से बनानी है तो, इस सिरिंज से अगर हमको 1 लीटर बनाना है तो 1000 बार, 100 बार। वेरी गुड, कितनी बार? 100 बार हमको पानी डालना पड़ेगा, तब जाके हम क्या बना पाएंगे, 1000 लीटर ml। 1000 ml में कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू होता है ना 1000 ml। ठीक है, बना सकते हो अपने आप, अपने हिसाब से मेजरमेंट। यस सर।